Hello everyone. In this video, we will be continuing chapter 4, that is business services. So let's start one by one. We have already covered the meaning and type of business services, banking and types of bank account in our previous video. In this video, we will be discussing about banking services, e-banking, and we will be knowing all the forms. So this will be a technical session basically, because there are many terms which you will be hearing first time. So let's begin. ये हम सबको पता है कि जो बैंक होता है उसका मेन जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है या तो मनी को बोरो करना या तो मनी को लेंड करना, दैट इज या तो लोगों से पैसा लेना या तो लोगों को पैसा देना. बट इसके अलावा भी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स बैंक काफी फंक्शंस करता है. हम उन सब फंक्शंस के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. इन नटशेल बैंक ये सिक्स टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट, देन इट इज बैंकर्स चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. हम इन सब के बारे में इन डिटेल अब पढ़ेंगे. जो हमारी फर्स्ट बैंकिंग सर्विसेज है वो है बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है जो कि बैंक देता है उसकी किसी भी ब्रांच को कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इस स्पेसिफिक पर्सन को पे कर दीजिए. ये हमारा बैंक ड्राफ्ट कहलाता है. इसको हम डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं. इसके अंदर हमको एक रेक्विजिशन स्लिप भरनी पड़ती है, कस्टमर को भरनी पड़ती है, जिससे कि बैंक बैंक ड्राफ्ट को इशू करता है. जो मेन बात है वो ये है कि जो कस्टमर होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मेरे को बैंक ड्राफ्ट दीजिए, और जब वो बैंक जो होता है वो बैंक ड्राफ्ट बनाता है तो वो उस कस्टमर के बैंक से उतना अमाउंट हटा देता है जितना कि वो बैंक ड्राफ्ट बना रहा है. जो बैंक ड्राफ्ट होता है इट इज ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ सेम बैंक. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेम बैंक की ही ब्रांचेस के बीच में बैंक ड्राफ्ट बनता है. The next thing is there is full guarantee by the issuing bank branch about the payment of draft to the payee. That means कि कोई risk नहीं है कि आपका जो bank draft है वो dishonor होगा, क्योंकि full guarantee होती है कि bank जो है जितना पैसा issue कर रहा है उतना ही दूसरी branch जो है same bank की वो उसको दे देगा. The next thing is fee या फिर commission obviously bank लेगा because वो कोई banking services provide कर रहा है, तो इसके लिए भी एक fee या फिर commission लिया जाता है which depends upon bank to bank और ये change होता रहता है. The last thing is bank draft जो होता है वो हमेशा payable on demand होता है. अगर आप इसे मांगोगे तो आपको मिलेगा, खुद से bank आपको नहीं. The next is bank's check, इसको हम pay order के नाम से भी जानते हैं. बैंक चेक जो होता है वो बेसिकली एक बैंक ड्राफ्ट ही होता है जो कि पेएबल होता है विद इन द टाउन. खाली टाउन के अंदर अंदर ही उसको पे कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज कि जो पेएबल होता है वो ब्रांच ऑफ इशू, जहां पर भी इशू किया जाता है उस ब्रांच की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अंदर ही इसको पेएबल करना होता है. कमीशन इसके ऊपर भी लगता है लेकिन वो कम होता है एज कंपेयर टू बैंक ड्राफ्ट. द नेक्स्ट थिंग इज कि बैंकर्स चेक जो होता है उस पर भी कोई रिस्क नहीं होता है डिसऑनर होने का, क्योंकि बैंक की गारंटी होती है. द लास्ट थिंग इज बैंक जो होता है वो बैंकर्स चेक इशू करता है फॉर लोकल पर्पस, जबकि जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो इशू करता है फॉर आउट स्टेशंस. अब ये दो हम जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें से जो फर्स्ट पिक्चर है वो है हमारा बैंकर्स चेक का, कि बैंकर्स चेक कैसा होता है, और नेक्स्ट है हमारा बैंक ड्राफ्ट का. अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का बैंकिंग सर्विस है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसको हम आरटीजीएस के नाम से भी जानते हैं. आरटीजीएस एक ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसमें भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है. इसमें मनी जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस. ये पूरा जो सिस्टम होता है ये ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा. रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं वो उसी टाइम रिसीव हो जाते हैं. जैसे मैंने अभी अगर किसी बैंक को बोला कि भाई मेरे 2 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दो इस बैंक में, तो जब मैंने बोल उस पर क्लिक करा उसी समय हाथों हाथ ही वो रिसीव भी हो जाते हैं. फिर ये बेनिफिशियरी जो बैंक होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो क्रेडिट किया जाता है अकाउंट के अंदर वो 2 आवर्स में कर दिया जाए. द नेक्स्ट थिंग इज ग्रॉस सेटलमेंट.
ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन होता है वो 1-to-1 बेसिस पे होता है, यानी कि अगर मैंने 2 लाख ट्रांसफर किए फिर थोड़ी देर बाद वापस 2 लाख ट्रांसफर किए तो वो दोनों अलग अलग एंट्रीज में शो होंगे, उसको नेट ऑफ कर 4 लाख ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं किए जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि आरटीजीएस जो होता है वो लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, मिनिमम जो इसका रेमिटिंग अमाउंट होता है वो 2 लाख रुपीज होता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिकली आरटीजीएस जो होता है वो 2 लाख से लेकर इनफाइनाइट तक हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज जो रेमिटिंग बैंक होता है वो उसको एक मैसेज होता है जो कि आरबीआई के द्वारा दिया गया होता है कि भाई आपके पैसे में आपके सॉरी आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट कर दिया गया है। जो लास्ट चीज है वो ये है कि जो रेमिटिंग कस्टमर होता है उसको कुछ डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है ताकि कि इजीली प्रोसेस हो जाए, और उन डिटेल्स में क्या क्या चीजें होती है कि भाई कितना अमाउंट है, आपके नेम क्या है बेनिफिशियरी के बैंक का, कस्टमर का अकाउंट नंबर चाहिए दोनों पार्टीज के, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है IFSC कोड ऑफ रिसीविंग ब्रांच। जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जिसको हम NEFT के नाम से भी जानते हैं। NEFT एक ऑनलाइन सिस्टम होता है फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ऑन नेट बेसिस। इसका कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होता है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू NEFT। फंड्स ट्रांसफर टेक प्लेस नॉर्मली या तो सेम डे पर या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपके फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। बैंक जो होता है जनरली कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लेवी करता है आपके इस फंक्शन के ऊपर। NEFT फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन मोर देन 18,500 बैंक ब्रांचेस। इसके अंदर भी आपको कुछ डिटेल्स सर्व करना पड़ता है बैंक को इन ऑर्डर कि NEFT अच्छे से स्मूथली कंडक्ट हो। वो होते हैं रिसीवर्स का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का टाइप की सेविंग है कि पर्सनल है, बैंक का नेम, सिटी, ब्रांच का नाम एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि ट्रांसफर आराम से हो जाए। द नेक्स्ट बैंकिंग सर्विस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर कस्टमर को फैसिलिटी दी जाती है कि भाई आप अपना जो करंट अकाउंट है उसमें से कुछ पैसा एक अग्रीड लिमिट तक ओवरड्रॉ कर सकते हो बैंक से। इसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी या फिर किसी इंसान की पर्सनल गारंटी ली जाती है, पहले बैंक लेता है और फिर आपको ये ओवरड्रॉ करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। ये जो ओवरड्राफ्ट होता है वो बेसिकली एक टाइप का लोन जैसा होता है जो कि बैंक आपको देता है। बैंक अगर क्योंकि ये लोन है तो उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बेसिकली जो भी आपका ओवरड्रॉन अमाउंट होता है वो उसके ऊपर बैंक आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है। The sixth and the final banking service is cash credit. Cash credit में क्या होता है, borrower को loan दिया जाता है against his current asset, जो कि है shares, stock, bonds. तो ये सब जो current assets होते हैं उसके basis पे loan दिया जाता है कि भाई इतना loan आप ले सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, cash credit facility क्यों helpful है, क्योंकि इससे आपके day to day जो working needs होती है उसको fulfill किया जा सकता है। क्रेडिट लिमिट सेंक्शन की जाती है, अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट के अंदर, और वो जो बोरोवर होता है वो इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है उसकी क्रेडिट लिमिट तक। सपोज आपकी क्रेडिट लिमिट 2 लाख की सेट है तो 2 लाख का अमाउंट आपके ट्रांसफर किया जाएगा अकाउंट के अंदर, और वो जो अमाउंट होगा 2 लाख का वो आप विड्रॉ कर सकते हो जब आप चाहो। लेकिन इसके ऊपर बैंक क्या करती है, जो लास्ट चीज है वो ये है कि बैंक इस जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको ट्रांसफर कर रही है बैंक अकाउंट में उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जो भी होगा वो बैंक का, एवरी बैंक का डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दैट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब, उसके बेनिफिट्स, उसके टाइप्स, ये सब अब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो सर्विस होती है जो कि बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर की कस्टमर्स को ये प्रिविलेज दिया जाता है कि वो लोग उनके जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसको इंटरनेट पे कर लें यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर हैंडलेड कंप्यूटर्स। इन सब से क्या होता है, कस्टमर का काम काफी इजीली हो जाता है, उसको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। जो ई बैंकिंग होता है वो ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसके अंदर कि हमने NEFT और RTGS पढ़ा था, देन ATMs, पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। द
नेक्स्ट थिंग इज कि जो कस्टमर होता है वो बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि चेक करना कि अकाउंट में कितना पैसा है, कितने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं लोन पे, या फिर मैनेज करना कि उनकी सेविंग को, उनके बिल्स को, ये सब चीजें वो कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर कोई ह्यूमन ऑपरेटर नहीं होता है, तो ये कस्टमर को एम्पावर करता है, उसको ऐड करता है वैल्यू कि आप अपना अच्छा बैंकिंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, कर सकते हैं, प्लस ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर देता है। We will see now the benefits of e-banking to customers. The first one is it facilitates digital payment and promote transparency in financial accounts. इसमें क्या होता है कि e-banking करने से digital payment की facility easily available हो जाती है और financial statement के अंदर क्योंकि हर चीज recorded है तो एक transparency maintain होती है. The next thing is it provides 24/7 services to customer of the bank. आप जो कस्टमर होता है उस वो कभी भी जाकर कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट इज इच रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैंस देयर इज अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है तो ये हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे बैंक के साथ, कोई भी चीज बैंक के साथ ऐसी नहीं होगी जो आपने कर ली और वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। The next thing is it provide greater satisfaction to customer by offering unlimited access to bank. इसमें क्या होता है, बैंक की सारी सर्विसेज जो होती है उसका अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है कस्टमर्स को और वो कभी भी जब उनको टाइम हो उस अकॉर्डिंग वो चीज ऑपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इट इंश्योर्स लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी जस्ट बिकॉज सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होते हैं, तो इसके लिए कम रिस्क और ज्यादा सिक्योरिटी होता है। द लास्ट थिंग इज कस्टमर कैन मेक द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी प्लेस एनी टाइम, वो लोग का जब जहां से मन करे वो लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर के टर्म में ई बैंकिंग के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ई बैंकिंग के बैंक्स के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो पहला बैंक का बेनिफिट है वो है इट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। अब क्या होता है, कई ऐसे बैंक जो कि ई बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में जो बैंक देते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज लोड ऑन ब्रांचेज इज कंसिडरेबली रिड्यूस ड्यू टू सेंट्रलाइज डाटाबेस। अब क्या होता है कि जो ब्रांचेस पे लोड होता है ना कि भाई इसका एंट्री करना है उसका एंट्री करना है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम होता है और उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहता है हर चीज, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो हर चीज वहां पे रिकॉर्ड होती रहती है। द थर्ड थिंग इज द नेटवर्क ऑफ बैंक इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, इट एक्सपेंड फार एंड वाइड ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। अब क्या होता है, इतनी सारी ब्रांचेस होती है एक बैंक की, हर एक ब्रांच हर एक दूसरी ब्रांच से कनेक्टेड नहीं रह पाती है, लेकिन ड्यू टू ई बैंकिंग वो लोग का सिस्टम जो है वो पूरा एक डेटा चलता है, तो वो लोग का जो फैसिलिटी होता है वो इजीली अवेल करा जा सकता है और ब्रांचेस के लिए भी इजी होता है कि वो लोग दूसरी ब्रांचेस से कनेक्ट कर पाए। अब हम समझेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स कितने तरह के होते हैं। तो टोटल 10 टाइप्स के डिजिटल पेमेंट को डाइवर्सिफाई कर रखा है और बता रखा है कि आप डिजिटली ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट दैट इज बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स वो प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जो कि आजकल बहुत यूज ही होते हैं। इसके अंदर आते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। डेबिट कार्ड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं जो कि बैंक इशू करती है और वो अलाउ करती है अपने क्लाइंट को कि आप जाकर इससे कैश को विड्रॉ कर सकते हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट कर सकते हैं। द अकाउंट होल्डर नो मोर रिक्वायर टू गो टू बैंक फॉर डिपॉट विदड्रॉइंग मनी। बेसिकली मनी को विड्रॉ करने के लिए अब अकाउंट होल्डर को, जिसके पास की डेबिट कार्ड है, उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, वो किसी भी नियर बाय एटीएम से विड्रॉ कर सकता है मशीन मनी को। एट द सेम टाइम इसकी लिमिट होती है विड्रॉवल की, जो कि स्टार्टिंग में बैंक क्लैरिफाई कर देता है, और अगर आपका अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया है तो आप उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
इशू करते हैं ताकि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सके ऑन क्रेडिट बेसिस। ये जो कार्ड होता है उसका एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसको हम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, और वो पहले से बैंक डिटरमाइन करती है कि ये आपका क्रेडिट लिमिट है, और वो बेस्ड होता है आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसके ऊपर। जो कार्ड होल्डर होता है वो इससे ज्यादा नहीं अमाउंट यूज कर सकता। सपोज आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख रुपीज से ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते हैं इशू, और ये 5 लाख रुपीज आपको मंथली बेसिस पे बैंक को वापस से डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर ऐसा फेल हो जाता है, कोई इशूअर नहीं डिपॉजिट कर पाता है, तो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। द लास्ट थिंग इज प्रीपेड कैश। प्रीपेड कैश क्या होता है? इट इज अ मनी दैट इज लोडेड इन एडवांस टू मेक एनी परचेज। सो बेसिकली आपको कार्ड में पहले से पैसा डलवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक एनी परचेज, और फिर जितना पैसा आपने उस कार्ड में डलवाया है उतने का आप कोई भी परचेज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो कार्ड। जैसे कि हमारे मेट्रोज के कार्ड्स और ये सब होते हैं वो हमारे प्रीपेड कार्ड्स कहलाते हैं। हाउएवर जो डेबिट कार्ड होता है उसको बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी है, लेकिन जो हमारे प्रीपेड कार्ड्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम लोग बैंक अकाउंट से लिंक करके रखें। जो हमारा सेकेंड टाइप का डिजिटल पेमेंट का मोड है वो है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, विदाउट डाउनलोडिंग एनी एप्लीकेशन हम लोग *99# को दबाकर मोबाइल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, डिजिटली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों को मोबाइल डेटा की फैसिलिटी अवेल होना जरूरी नहीं है, और हम विदाउट मोबाइल डेटा की फैसिलिटी भी पेमेंट को कर सकते हैं। इसका जो मेन एम होता है USSD का वो ये होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पर सब लोग अपने आप को इंक्लूसिव फील करें, जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शंस होते हैं, बैंकिंग की फैसिलिटी होती है उस सब के अंदर। द लास्ट थिंग इज कि जो सर्विसेज हम लोग कर सकते हैं अवेल USSD के अंदर वो होती है फंड्स ट्रांसफर करने की सर्विस, हमारे बैंक स्टेटमेंट को देखने की सर्विस, और लास्ट कोई भी अगर हमारे बैलेंस रिलेटेड क्वेरी है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो पेमेंट्स के मोड होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है वो कैश होता है, जो सेकेंड है उसे हम नॉन कैश या फिर डिजिटल पेमेंट के नाम से जानते हैं। नॉन कैश और डिजिटल पेमेंट जो है फर्दर टू पार्ट्स में डाइवर्सिफाई किया गया है, प्लास्टिक कार्ड्स एंड ई बैंकिंग। प्लास्टिक कार्ड्स के थ्रू हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जबकि ई बैंकिंग जो है उसको फर्दर USSD से कनेक्ट किया गया है। और ये बताया गया है कि USSD में जो होता है वो 7-8 टाइप्स के और दूसरे मोड ऑफ पेमेंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली लोग यूज कर रहे हैं। जो USSD का हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है AEPS, दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस के इंक्वायरी, कैश विड्रॉवल एंड डिपॉजिट, पेमेंट करना किसी ट्रांजेक्शन का, या फिर आधार से आधार फंड में कोई भी ट्रांसफर करना। इसके लिए जो मेन चीज है वो ये है कि अगर आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट के साथ तो ही आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हो, वरना आपके लिए AEPS पॉसिबल नहीं है करना। आधार वेरिफिकेशन मस्ट होता है कोई भी ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने के लिए, हर ट्रांजेक्शन से पहले आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अंदर ब्रांच को विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोई सिग्नेचर देने के, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करने के, इन सब किसी से रिलेटेड कोई भी काम के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब जो हमारा नेक्स्ट USSD डिजिटल पेमेंट है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, जिसको हम UPI के नाम से जानते हैं। ये काफी फेमस है। ये कस्टमर क्या करता है, कोई भी बैंक अकाउंट जो होल्ड कर पा रहा है वो सेंड या रिसीव कर सकता है मनी UPI बेस्ड एप्स के थ्रू। जो फर्स्ट चीज है वो ये है कि यूजर्स जो होता है वो अपना एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकता है UPI ऐप में, और फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है, प्लस कलेक्ट कर सकता है 24/7 बेसिस पे 365 डेज। जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि वैलिड बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है UPI के लिए, और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि लिंक हो सेम अकाउंट, सेम बैंक अकाउंट से, ये दो चीजें बहुत मस्ट होती है। कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते UPI में, तो इट्स बेसिकली वेरी इजी मोड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ कलेक्शन। द नेक्स्ट इज माइक्रो ATM। माइक्रो ATM मिनी वर्जन ऑफ ATM होता है, और ये एक मॉडिफाइड POS टर्मिनल होता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है, जिससे कि हम कनेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग नेटवर्क थ्रू GRPS टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन।
इसके अंदर क्या होता है, मशीन के अंदर एक कार्ड स्वाइप की फैसिलिटी दी जाती है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है। इस मशीन से हम लोग कोई भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो कैश इस मशीन के अंदर नहीं होता है, ये हैंडी मशीन्स होती है। जो कैश होता है वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है, वो हम लोगों से कलेक्ट करके और बैंक में डिपॉजिट कर देता है। जो लास्ट चीज है वो ये है कि ये जो मशीन्स होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बैंक जो होते हैं वो लोग यूजुअली जो मोबाइल और रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे यूज करते हैं, जहां पे कि पास में एटीएम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये वाली फैसिलिटी वहां पर यूज आती है पेमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट क्या होते हैं, ये एक वर्चुअल वॉलेट सर्विस होती है जो कि हम लोग किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से मिल सकती है हमको, जैसे कि पेटीएम होती है, फ्री चार्ज होती है, ये सारी जो एप्स होती है ये हम लोगों को वर्चुअल वॉलेट सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम लोगों की बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का डिटेल होता है, वो एक एनकोडेड फॉर्मेट में होता है ताकि वो सिक्योर पेमेंट को अलाउ करे। इसके अंदर हम लोग मनी ऐड कर सकते हैं मोबाइल वॉलेट के अंदर, और जो कि हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं पेमेंट्स करने के लिए या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। जो इसके एग्जाम्पल है वो हमने जैसे कि देखा था पेटीएम और फ्री चार्ज। जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज भीम ऐप। ये जो भीम ऐप होती है ये यूपीआई एप्लीकेशन के साथ मिलकर पेमेंट करती है। तो बेसिकली भीम यूपीआई हमने बहुत नाम सुना होगा, ये हमारे काफी एप्लीकेशन में भी होता है और ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, एक डेबिट कार्ड चाहिए और एक वैलिड बैंक अकाउंट चाहिए। ये यूपीआई के साथ कॉलेबरेट कर ट्रांजेक्शन को कैरी करती है, जो भी वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेस के होते हैं वो सब चीज। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट ऑफ सेल, दैट इज पीओएस। टोटल 3 तरह के पीओएस टर्मिनल होते हैं, दैट इज फिजिकल, मोबाइल एंड वर्चुअल। फिजिकल पीओएस टर्मिनल जो होता है मोस्टली शॉप्स और स्टोर्स में पाया जाता है। मोबाइल पीओएस टर्मिनल जो होता है वो या तो टैबलेट्स या तो स्मार्टफोन्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। और जो हमारा लास्ट है वो है वर्चुअल पीओएस टर्मिनल, जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। ये जो चीजें होती है फिजिकल, मोबाइल, वर्चुअल, बेसिकली जो पॉइंट ऑफ सेल होता है वो एडवांटेजेस होता है स्मॉल बिजनेसमैन को, जिन लोगों के पास इतना एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रजिस्टर करने के लिए पैसा नहीं होता है, बट वो फिर भी ऑनलाइन कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल की हेल्प से। द नेक्स्ट टाइप इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग हेल्प करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को करने में डायरेक्टली बैंक से, इंटरनेट की मदद से। हम इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग और वेब बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये जो बिजी वर्किंग लाइफस्टाइल होती है लोगों की उसमें फिट हो जाता है। उन लोगों को जिनको टाइम नहीं होता है बैंक्स में जाके अपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने का, वो लोग घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से अपने सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो होता है हर एक बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को एज अ एडेड एडवांटेज। द नेक्स्ट थिंग इज इससे जो हम कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, वो सब है ट्रांसफरिंग मनी, मेकिंग बिल पेमेंट्स, ये सब चीजें हो सकती है इंटरनेट की मदद से। द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज कि कुछ चीजें नेसेसरी होती है इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि है एक्टिव बैंक अकाउंट, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, कस्टमर का यूजर आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, लॉग इन आईडी, लॉग इन पासवर्ड एंड अ पीसी, जिससे कि वेब का एक्सेस किया जा सके। अब हम हमारा लास्ट डिजिटल पेमेंट का टाइप पढ़ेंगे, जो कि है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अलाउ करता है कस्टमर को टू डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, जो भी उनके पास अवेलेबल हो। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है जो कि लोगों की बिजी लाइफस्टाइल में फिट हो जाता है। ये वो सारे टास्क कर पाता है, जैसे कि ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट करना, अमाउंट चेक करना, बैलेंसेस चेक करना, ये सब हम लोग मोबाइल बैंकिंग में कर सकते हैं। इस सर्विस को अवेल करने के लिए कुछ चीजें मस्ट होती है जो कि यूजर को प्रोवाइड करनी होती है, वो होती है बैंक अकाउंट, अ वैलिड मोबाइल कनेक्शन एंड अ हेडसेट विच सपोर्ट द सर्विसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोबाइल बैंकिंग। सो गाइज, इस वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स की बैंकिंग सर्विसेज होती है और वो कौन सी होती है। फिर हमने पढ़ा था कि ई बैंकिंग का क्या मतलब होता है और वो कैसे बेनिफिशियल होती है कस्टमर्स और बैंक के लिए।
लास्ट में हमने देखा था कि कितने टाइप के डिजिटल पेमेंट होते हैं और उनके क्या पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंश्योरेंस टॉपिक को कवर करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो गाइस, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून, बाय बाय।